दिस इज अ न्यूली फर्निश्ड फ्लैट इन सेक्टर 6 द्वारका। फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट होने वाला है परम पुनीत अपार्टमेंट सेक्टर 6। लोकेशन बहुत अच्छा है, ऑल्दो द फ्लैट लोकेशन इज ऑल्सो गुड। नॉर्थ ईस्ट कंट्री मिलता है, ईस्ट टू वेस्ट के बीच में पूरा फ्लैट मिलने वाला है। पूरे दिन की धूप मिलती है फ्लैट में। बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी का पर्टिकुलर लोकेशन है, बढ़िया फर्निश काम किया हुआ फ्लैट है। तो आइए गो थ्रू करते हैं। फॉर द प्राइस प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करें। ये मिल जाता है इसका लॉबी स्पेस एरिया, आपको दो लिफ्ट केस मिलते हैं। फ्लैट इस तरीके से मिलते हैं। एक फ्लैट आपका ये है, मतलब डबल एंट्री का फ्लैट है, दैट्स योर 7 रूम का एंट्री मिलता है यहाँ से आपका। अब आते हैं हम अपने फ्लैट की तरफ एंटर करने के लिए। ये आ जाता है आपका फ्लैट का एंट्रेंस। डायरेक्टली आप एंटर करते हैं अपना लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस में, कुछ इस तरीके का एल शेप में लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। सोसाइटी में FIR हो चुका है, एक्सटेंशन हो चुका है, तो इन फ्यूचर अभी कुछ नहीं होने वाला। जितना बड़ा साइज आपको मिलता है उतना ही बड़ा साइज आपको इन फ्यूचर भी मिलने वाला है। तो दैट्स योर लिविंग स्पेस, इसमें कुछ इस तरीके का काम किया हुआ है। नीचे वर्टिकल टाइल्स मिल जाती हैं, ऊपर आपको देख सकते हैं बहुत अच्छा फॉल सीलिंग का काम किया गया है। बहुत बढ़िया इसमें लाइटिंग का काम मिल जाता है, बहुत बढ़िया फैन के काम मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। अभी जस्ट काम फिनिश हुआ है थोड़ी दिन पहले ही। इसमें आपको कुछ इस तरीके से फ्रेमवर्क मिल जाता है, बहुत अच्छा काम किया गया है। दैट्स योर सेपरेशन बिटवीन द लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, दैट्स योर सेपरेशन, देख सकते हैं बहुत अच्छा सेपरेशन इसमें बनाया गया है। उससे पहले हम गो थ्रू करते हैं इसका, सबसे पहले इस गो थ्रू करते हैं दैट्स योर सर्वेंट स्पेस। यहाँ से भी एंट्री है, यहाँ से भी आप चाहें तो अपना एंट्रेंस बना सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ये कुछ एक आपको एंट्री मिलती है बाहर से भी इसका। ये आपका हो जाता है 7 रूम एरिया, यहाँ से वेंटिलेशन मिलता है, दैट्स योर इस तरीके का काम मिलता है। और यहाँ पर मिलता है इसका अटैच वॉशरूम, जिसमें सारी की सारी जगुआर की फिटिंग की गई है। ये मिलने वाला है आपको लिविंग स्पेस, जिसमें इस तरीके का काम मिलता है, दैट्स योर डाइनिंग स्पेस। उस स्पेस को आप अपना फैमिली लॉन्च बना सकते हैं, किसी भी तरीके से सेपरेशन लगा के उसको आप फैमिली लॉन्च बना सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं किचन स्पेस पे, ये आपका किचन स्पेस होता है। बहुत अच्छा सटल कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है, बीच कलर कंट्रास्ट एंड वाइट, इट्स वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे वेंटिलेशन मिल जाता है आपको, दैट्स योर चिमनी। यहाँ पे आपको होप सेक्शन आने वाला है इन फ्यूचर, प्रॉपर तरीके से देखेंगे। बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट में काम है, साथ साथ में काम भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें आपको। बहुत बढ़िया काम किया गया है, प्रॉपर तरीके से देखेंगे। हैंडल बार्स एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी एलिगेंट तरीके से काम किया गया है। दैट्स योर फ्रिज स्पेस, यहाँ पे आपको फ्रिज स्पेस मिलता है आपका, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है अपना किचन स्पेस एरिया। नाउ वी कम टू द बेडरूम स्पेस, उससे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं। दैट्स योर यू कैन मेक इट योर फैमिली लॉन्च है, यहाँ पर आप सेपरेशन करके अपना फैमिली लॉन्च बना सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ये है कॉमन वॉशरूम एरिया, देख सकते हैं वॉशरूम का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। कलर कंट्रास्ट स्टाइलिंग का बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया लुक देता है। देन यू हैव योर जगुआर फिटिंग है, प्रॉपरली WBC का काम है। स्टोरेज बहुत बड़ा किया गया है, देख सकते हैं वेंटिलेशन ऑल द थिंग्स आपको इसमें मिलने वाला है। दैट्स योर कॉमन वॉशरूम एरिया। और साथ साथ हम आते हैं इस वाली बालकनी पे, जो कि आपको रनिंग बालकनी मिलती है, वहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको रनिंग वाली बालकनी मिलती है। दैट्स योर ईस्ट फेसिंग, यहाँ पे आपका ईस्ट है। वेस्ट की तरफ ऐसे जाता है, पूरे दिन के फ्लैट में धूप मिलती है। इसमें आपको मॉर्निंग से लेके ऑलमोस्ट 1-1.5 बजे तक की धूप इस वाली बालकनी में आपको मिलने वाली है। पार्किंग स्पेस मैं आपको सोसाइटी में दिखाऊँ तो इस तरीके से आपको ओपन पार्किंग स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। अब आते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, ये मिलता है आपको फर्स्ट बेडरूम एरिया। वेंटिलेटर, बढ़िया वेंटिलेटर रूम मिलने वाला है इसमें। वर्टिकल टाइल्स, फॉल सीलिंग का काम मिल जाता है। कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, सनमाइका इसमें वार्डरोब्स में देखेंगे तो बहुत अच्छा काम किया गया है सनमाइका का, एंड ऑल द थिंग्स देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इसमें आपको काम मिल जाता है। सेपरेशन अच्छा किया गया है, कलर कंट्रास्ट अच्छा है, डोर्स पे बहुत अच्छा काम किया गया है, बहुत अच्छा साइज में आपको काम मिल जाता है। नाउ वी कम टू द अदर बेडरूम्स एरिया।
ये हो जाता है आपका सेकंड बेडरूम स्पेस, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। अटैच वॉशरूम मिलता है इसमें आपको, अटैच बालकनी स्पेस मिलता है, इस तरीके का आपको मिल जाता है सेकंड बेडरूम एरिया। वेंटिलेशन मिलता है प्रॉपर तरीके से, वाटर स्पेस बहुत अच्छे तरीके से काम किए गए हैं इसमें। नाउ वी कम टू द इसका बालकनी स्पेस। ये आपको बालकनी स्पेस मिलता है जो कि आपका इस वाले रूम से भी कनेक्टेड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ये वाला आपको मिलता है दो रूम से कनेक्टेड बालकनी स्पेस। नाउ दिस इज अटैच वॉशरूम विच इज वेरी एलिगेंट, बहुत अच्छा काम किया गया है, बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट में काम है, जगह फिटिंग मिलता है प्रॉपरली, बहुत स्लिंग तरीके का डिजाइन पैटर्न है फॉर द सिंक स्पेस। ये हो जाता है आपका अटैच वॉशरूम एरिया, दो वॉशरूम दो बेडरूम भी गो थ्रू। अभी नाउ वी विल वी गो फॉर द अनदर बेडरूम एरिया, दिस इज द थर्ड बेडरूम एरिया। इसमें अटैच वॉशरूम अटैच बालकनी का स्पेस मिलता है आपको, वर्टिकल टाइल्स से ऊपर बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का काम किया गया है। दैट्स योर कलर कंट्रास्ट में देखेंगे, स्विचेस ब्लैक हैं, व्हाइट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। दैट्स योर वार्डरोब स्पेस, फोर डोर्स वार्डरोब स्पेस मिलता है, कलर कंट्रास्ट मेगा का अच्छा है, देन वार्डरोब स्पेस भी बहुत अच्छा है, डेप्थ अच्छी है, सेपरेशन सारा अच्छा इसमें आपको मिल जाता है। जो मैंने अभी आपको पहला दिखाया था बालकनी स्पेस, वो सेम बालकनी आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। ये आपका मिलता है वेस्ट, तो ऑलमोस्ट इधर वेस्ट है आपका, इधर ईस्ट है, ये ईस्ट और वेस्ट के बीच की बालकनी जिसमें आपको पूरे दिन की धूप इसमें आपको मिलने वाली है। ये अटैच वॉशरूम मिलता है आपको इसमें, जो कि आपका दूसरे रूम से भी कनेक्टेड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको मिल जाता है। अब आते हैं अपने लास्ट बेडरूम एरिया पे, दैट्स योर लास्ट बेडरूम एरिया। बेडरूम साइज बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया बेडरूम साइज में आपको मिलने वाला है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड मिलने वाला है, ऊपर आपको वॉल सीलिंग का काम, नीचे आपको वर्टिकल टाइलिंग का काम मिलता है। दैट्स योर टीवी कैबिनेट का स्पेस हियर। नाउ वी कम टू द वार्डरोब स्पेस एरिया, वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है इसमें आपको। दैट्स योर कबर्ड स्पेस एरिया, इस तरीके का कुछ काम है, डेप्थ अच्छी है, सेपरेशन अच्छा खासा इसमें आपको मिल जाता है। इधर भी आप देखेंगे प्रॉपरली ओपन स्पेस का काम किया गया है, इस तरीके से यूपीवीसी का काम इसमें आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है। नाउ वी सी दिस वॉशरूम स्पेस, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, जो कि इस वाले बेडरूम से भी कनेक्टेड है। कलर कंट्रास्ट देखेंगे, टाइलिंग का बहुत खूबसूरत किया गया है, नीचे आपको स्टोरेज ऑल द थिंग जेगो कंपनी का फिटेड मिलता है इसमें आपको, बहुत बढ़िया काम किया गया है पूरे फ्लैट में, बहुत अच्छे बड़े साइज का फ्लैट हो जाता है, सेक्टर 6 परमपुरी अपार्टमेंट में बहुत बढ़िया फ्लैट है, साइज बहुत अच्छा है, फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट होने वाला है, बहुत अच्छा फर्निश काम किया गया है पूरे फ्लैट में, कलर कंट्रास्ट वार्डरोब्स में, टाइलिंग में, अपनी किचन स्पेस में बहुत सटल कलर कंट्रास्ट है, ऐसा नहीं है झूमर वाला काम नहीं मिलता है आपको, बहुत सटल कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है। गो थ्रू हो जाता है फ्लैट का, सोसाइटी का अगर मैं आप सराउंडिंग बता देता हूँ आपको, सेक्टर 10 का मेट्रो, 6-10 का मार्केट, ऑल दो सारा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 11 का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाता है पास में आपको, पार्क्स जस्ट पीछे ही है इसके, आपके सामने भी एक बड़ा पार्क इसमें आपको मिल जाता है। तो ये हो जाता है इस फ्लैट का गो थ्रू, बहुत अच्छा फ्लैट है, साइज बहुत अच्छा है, इसका जो डिमांड है 3,60,00,000 रुपए का है, जो कि नेगोशिएबल है, आप एक बार फ्लैट विजिट कीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छी डील देने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस इज करण, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।